आपका बैंक में खाता है तो आपने पैन कार्ड का नाम जरूर सुना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि आखिर पैन कार्ड होता क्या है। आपको बता दें कि पैन कार्ड सरकारी योजनाओं में से एक योजना है जिसके अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं इसकी पूरी डिटेल सरकार तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि अब इसी पैन कार्ड के अंतर्गत आप सरकार से ढेर सारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि पैन कार्ड से ये पता लगता है सरकार को कि आपके खाते में कहीं 7 लाख से अधिक रुपए तो नहीं रखे गए, कहीं आपके खाते में 1 लाख रुपए से कम धन राशि साल 2 साल तक तो नहीं रही है। आपको बता दें कि अगर आपके खाते में अब तक मात्र 50,000 से कम की धनराशि जमा हो पाई है तो आप सभी के खाते में पैन कार्ड के तहत 10,000 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। जी हां दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो जो लोग गरीब हैं उन सभी लोगों के लिए पैन कार्ड अब मसीहा बनकर आया है। और वहीं आपको बता दें कि जो लोग अमीर होते हैं जिनके खाते में 7 लाख से अधिक रुपए जमा होते हैं उन्हें सभी से टैक्स वसूल करना सरकार का भी पैन कार्ड के तहत ही काम होता है। दोस्तों कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पैन कार्ड के अंतर्गत अब आपको 10,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बता दें कि पैन कार्ड बनवाते वक्त हर कोई ये सोचता है कि अब पैन कार्ड बनवाने के बाद उसे सरकार को अतिरिक्त तो शुल्क देने होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो फटाफट से बनवा लीजिए और उसे अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड जरूर करवा लें, क्योंकि आने वाले वक्त में इस पैन कार्ड के जरिए आपकी पूरी बैंक डिटेल सरकार तक पहुंचेगी। अगर आपको जरूरत होगी तो सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। उम्मीद करती हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित रही होगी। कमेंट के जरिए अपनी राय शेयर जरूर कर दें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।